ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों बड़ी खबर है, एक विधायक ट्रक में बैठता है ट्रक ड्राइवर बनकर और उसके बाद रात को ट्रक को ड्राइव करता है, उस नाके पर पहुंचता है जहां पर नाजायज वसूली की जा रही थी। जी हां, हर ट्रक से 200-500 हजार रुपया वसूला जा रहा था। उस नाके पर पहुंचा विधायक ट्रक लेकर और कोई भी पुलिस वाला उसे पहचान न सका और उसके बाद उससे 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई, रिश्वत दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, आप पहले ये पूरी वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कहां की ये घटना है और असल में हुआ क्या। कितना देना पड़ेगा? 500? कम लोन है यार, 200 वापिस कर। अरे नहीं ना, अरे गरीब आदमी है ना यार, नहीं ना यार, सो ही दिया ना भाई, ऐसा मत करना यार, 100 रुपया देना वापिस। ए भाई इसको बोलो ना 100 रुपया देने को वापिस, उसको भैया यार पैसा वापिस देने को बोलो ना, 500 लिया मैंने। क्या कौन है रे, गायक हाल देते रे, किसको गाले दे रहा है? रात दिन गाड़ी चलाता, मेहनत करता, यहाँ पे हराम की कमाई करते और 500-500 रुपए ले रहे। तुमसे कितना लिया ना भाई, कितना लिया? एक चक्कर में 1000 रुपए लिए, 1000 रुपए। किधर से? गाड़ी से इधर जाने के लिए, आने के लिए 1000-1000 रुपए लिए। रोज का तकलीफ है ना, रोज का तकलीफ। ये घाट अभी बंद करके रखा है लेकिन ये सब ट्रक छोड़ रहे, देखो कितना बड़ा लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, गरीब लोगों को लूट रहे। दोस्तों ये जो पूरी घटना है ये महाराष्ट्र की है, जिला जलगांव है और कन्नड़ घाट नाम की वहां पर जगह है और जो MLA वहां के उनका नाम है मंगेश चौहान, जिन्होंने पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। असल में हुआ ये था कि इसी इलाके में, इसी कन्नड़ घाट के ऊपर रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले और उसके बाद ये जो MLA हैं ये BJP के MLA हैं और BJP महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में है, तो इन्होंने मन बनाया कि इसका पर्दाफाश किया जाए। वहां पर जो वसूली चल रही है, ये एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर बनके, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो ट्रक चलाने लगे, उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो पहले वाला वीडियो वायरल हुआ था। वहां जब पहुंचे तो पुलिस वाले हर ट्रक वाले से वहां पर पैसे मांग रहे थे। पैसे मांगने का कारण ये था कि कन्नड़ घाट को रिपेयर के चक्कर में बंद किया गया है कुछ दिनों से, हैवी व्हीकल्स को बंद किया गया वहां पर, लेकिन वो हैवी व्हीकल जा सकते हैं जो रिश्वत देंगे पुलिस वालों को, क्योंकि रिश्वत के जो पैसे हैं उससे कन्नड़ घाट मजबूत हो जाता है, फिर उसको कोई खतरा नहीं रहता है, फिर ट्रक आसानी से वहां से गुजर जाते हैं। तो उसी क्रम में इस गाड़ी से भी रिश्वत मांगी गई, बस पुलिस वालों की किस्मत ये खराब थी कि ड्राइवर की जगह ड्राइवर सीट पर विधायक बैठा था और 500 रुपया उससे ले लिया गया और उसके बाद विधायक ने कहा कि ऐसा मत करो, मैं गरीब हूँ, मुझे 200 रुपये कम से कम इसमें वापस कर दो। तो पहले काफ़ी जद्दोजहद के बाद 100 रुपये वापस किया गया, उसके बाद 100 रुपये और कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब विधायक अपनी बात पर अड़े रहे, विरोध किया, तो किसी ने पुलिस वालों में से गाली निकाल दी उस विधायक को और बस उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरे, उतर कर तमाम पुलिस वालों को बताया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद पूरा हंगामा हुआ, विधायक ने तमाम जो वहाँ पर ड्राइवर थे उनको इकट्ठा किया, उनसे पूछा कि किससे कितने पैसे लिए गए हैं, एक एक गाड़ी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि कितने पैसे आप यहाँ पर देते हो, कब कब देते हो। तो उन्होंने बताया कि जो रेगुलर लोग हैं उनसे 200-300, जो नए होते हैं उनसे 1000 रुपये तक भी वसूल लिया जाता है और सबकी मजबूरी है इनको पैसे देना। काफ़ी हंगामा वहाँ पर हुआ। ये वीडियो हमारे पास आने के बाद हमने वहाँ पर जो लोकल पुलिस स्टेशन था उसमें फ़ोन किया, जानकारी ली, स्टेटस पता किया, तो पता चला कि अभी तक इतनी बड़ी चोरी पकड़े जाने के बाद, विधायक के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी इन पुलिस वालों को अभी तक सस्पेंड नहीं किया है, सिर्फ ड्यूटी से हटा दिया गया है और बोला जा रहा है कि इंक्वायरी चल रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो वायरल होने के बाद भी ये पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, सरकार ये कहना चाहती है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो इसी तरीके से तुम लोगों को लूटेंगे, जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी स्टिंग ऑपरेशन कर लो, कोई शर्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, अगर कोई कार्रवाई होगी तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम आपको जरूर बताएंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं।
प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 2400 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।